डी स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करनी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद सवालिया एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट आस्क आर सीक इंफॉर्मेशन इट इज़ टू फाइंड आउट रिस्पॉन्स आर एंगेज इन कन्वर्सेशन तो ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए या किसी कन्वर्सेशन में इंगेज करने के लिए यह यूज़ किया जाता है या क्वेश्चन की शक्ल में होगा तो दीज़ सेंटेंसेस ऑफन बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड सच एज व्हाट वेयर वेन वाई और हाउ और ये आर एन एग्जिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब हैं जो फॉर एग्जाम्पल वट इज़ योर नेम और कैन यू स्विम तो मतलब ये दोनों में क्वेश्चन किया गया है वट इज योर नेम आपका नाम क्या है कैन यू स्विम तो इसमें भी ये देखें कि हम आ, किस तरह इसको सेंटेंस में चेंज किया आ, अगर हम सिंपल सेंटेंस लिखें यू कैन स्विम तो कैन यू स्विम इसको इसको इंटरोगेटिव में चेंज किया द सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑर्डर इन दीज सेंटेंस टाइपिकली इन्वर्टेड यानी इसमें सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो इन्वर्ट होता है और मीन्स दैट वर्ब्स कम बिफोर द सब्जेक्ट तो इसमें वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आता है फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टेड ऑफ सेंग यू आर गोइंग एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा आर यू गोइंग तो इसमें जो है आर जो है ये uh, बतौर जो है वो uh, एक एग्जिलरी uh, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है

Uh, इसकी जो मैंने अभी दो टाइप्स आपको बताई कि सिंपल टाइप है यस नो क्वेश्चन और फिर दूसरी क्या है डब्ल्यू एच टाइप डब्ल्यू एच क्वेश्चन यूजेस क्वेश्चन वर्ड्स इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस टू आस्क स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वो क्या है वेर डिड यू गो ऑन वोकेशन क्या आप वोकेशन में कहाँ जाएंगे वाई आर यू अपसेट तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ ये एंड होते हैं अब इसमें देखें कि टू बी यूज टू इंटेरोगेटिव तो टू बी सब्जेक्ट यूज टू जेरेंड और क्वेश्चन मार्क तो एम आई यूज टू वर्किंग आर यू यूज टू वर्किंग इज ही यूज टू वर्किंग इज शी यूज टू वर्किंग Uh, ये प्रोनाउंस के लिहाज से इसकी एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकेंड परस सिंगुलर और सेकंड पर्सन सिंगुलर पर्सन प्रोनाउंस और थर्ड पर्सन सो आर यू यूज टू वर्किंग आर वी यूज टू वर्किंग और आर दे यूज टू वर्किंग तो ये इस तरह हर एक में जब भी हम क्वेश्चन फॉर्म की शक्ल में ये इंटारोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा वरना आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा सो अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म ऑफ दीज सेंटेंसेज इज इंपॉर्टेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चन सीकिंग इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन के लिए और ब्लाग के लिए और इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बाय यूजिंग सूटेबल क्वेश्चन वर्ड्स वर्ड ऑर्डर इंटोनेशंस स्पीकर्स एंड राइटर्स कैन फाइंड आउट दे डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन यानी जो वो मतलूबा इन्फॉर्मेशन या इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए उसके लिए वो इन इनको इस्तेमाल करते हैं और इंगेज इन मीनिंगफुल कन्वर्शन विद अदर्स तो मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के लिए भी वो दूसरों के साथ इंगेज होते हैं तो ये थी जो इंटरगेटिव सेंटेंसेस की डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट उसका बनाने का स्टाइल और किस तरह उनको वर्ड्स को हम फ्रेजेस uh, को कंबाइन करते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कंबाइन करते हैं जो मैंने अभी आपसे इस मोड्यूल में मैंने बात की